बॉलीवुड और यशराज की वन ऑफ द फर्स्ट स्पाई यूनिवर्स पठान में हमने शाहरुख खान भी देखा, सलमान खान भी देखा, लेकिन आमिर खान का कनेक्शन क्यों पठान से निकाला जा रहा है? आखिर कौन है निखत खान जो आमिर खान के साथ जोड़कर पठान से क्रॉस कनेक्शन कराया जा रहा है? आमिर खान की बहन आखिर पठान के साथ क्या कर रही है? सोशल मीडिया पर यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आमिर खान की बहन, पठान और निखत खान, इनका आपस में क्या कनेक्शन है। एक्चुअली यशराज ने बहुत ज्यादा पब्लिसिटी दी नहीं, लेकिन आमिर खान की बहन है निखत खान, जो कि पठान में बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर आपने मूवी देखी तब तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, अगर नहीं देखी तो थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हैं, लेकिन कहानी के प्लॉट से कोई रिवीलिंग बात नहीं होगी, इसलिए आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। एक्चुअली पठान में शाहरुख खान के कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी चलती है, जहां बताया जाता है कि पठान ने कुछ समय के लिए अफगानिस्तान में काम किया था एक मिशन के तौर पर, और वहां पर एक बहुत बड़े हमले से उनको बचाया था, लेकिन उसमें उसको चोट लग जाती है, जहां पर वहां के कबीले वाले लोग उनकी सेवा करते हैं। उस कबीले की लीडर एक उम्रदराज महिला है जो उसे पहली बार पठान के नाम से बुलाती है और अपने प्रेम और आशीर्वाद की निशानी के तौर पर उसके बाजुओं में एक ताबीज बांध देती है, और तब से शाहरुख खान पठान बन जाते हैं। यानी पठान का जो रियल नेम है इस मूवी में नहीं दिखाया गया है, और ये पठान उनको अफगानिस्तान में एक महिला ने नाम दिया था। अब जिस महिला ने यह नाम दिया था उन्हीं का नाम निखत खान है, पूरा नाम है निखत खान हेगड़े, लेकिन आमिर खान की बहन एक्टिंग करती है ये बात बहुत कम लोग जानते थे, इसलिए उनको ये सरप्राइज लगा कि आमिर खान की बहन पठान के साथ क्या कर रही है। तो ये मामला है उनकी एक्टिंग का, उनके रोल का, जिन्होंने बहुत ही दिलचस्प तरीके से बहुत ही इंटेंस वे में निभाया है। क्लाइमेक्स में भी उनका रोल बहुत दिलचस्प है, लेकिन उसके लिए आप मूवी देखिए, नो स्पॉयलर्स। हालांकि लोग कह रहे हैं कि पहली बार उनकी बहन को देखा है, लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब निखत आदमी ने किसी मूवी में काम किया है। इससे पहले वो अक्षय कुमार की मिशन मंगल, अजय देवगन की तानाजी और तापसी पन्नू की साढ़ की आंख में काम कर चुकी हैं। मूवीज के अलावा नीरज पांडे की स्पेशल वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स 1.5, द गिल्टी माइंड्स, इसके अलावा स्टार प्लस के सीरियल बन्नी चाओ होम डिलीवरी से अपना टीवी डेब्यू भी कर चुकी हैं। निखत ने अपना करियर बतौर प्रोड्यूसर स्टार्ट किया था तुम मेरे हो मूवी से, जिसमें आमिर खान ने लीड रोल प्ले किया था। इसके बाद हमें रही प्यार के, लगान जैसी फिल्में भी उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, और मकरंद देशपांडे के डायरेक्शन में कई नाटकों को प्रोड्यूस कर चुकी हैं। बराबर पठान में उनका रोल छोटा है, बहुत ही की फैक्टर वाला है, और इसी वजह से लोग उनको आमिर खान की बहन के नाम पर पठान से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर इस यूनिवर्स में आमिर खान की कमी रह गई है, वो भी आ जाएं। हालांकि आगे चल के फैन थ्योरी सही भी हो सकती है, बिकॉज यशराज के चाहते हैं आमिर खान, उनकी धूम में स्पेशल रोल प्ले कर चुके हैं, ठग ऑफ हिंदुस्तान भी कर चुके हैं। ऐसे में YRF जब स्पाई यूनिवर्स को और एक्सपेंड करेगा, तब कबीर, अविनाश और पठान के साथ आमिर खान भी आ सकते हैं एक स्पेशल स्पाई कैरेक्टर में, जो कि आगे चलकर मार्वल्स की एवेंजर वाला गेम खेला ही जाएगा। जब तक ये कार्ड चलेगा तब तक पठान, सलमान, आमिर खान सब जुड़ते रहेंगे और पब्लिक को पूरी तरह से एंटरटेनमेंट की दुकान दिखाते रहेंगे। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग, ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।